हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने देखा था कुछ जो डिटरमिनेशन के जो तरीके थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ स्केल्स दिए थे पाउलिंग ने, ऑलरेड रोशो ने और मुलिकन ने, और साथ में हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। पीरियडिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट, के अगर हम किसी पीरियड में मूव करते हैं या किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पीरियडिसिटी है वो क्या रहता है। ओके, तो अगर हम पीरियड्स में बात कर रहे हैं कि पीरियड्स में, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, वो अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इस एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी रखता है। इसी वजह से जब हम पीरियडिक टेबल को देखते हैं तो जो हैलोजन्स हैं, जो राइट मोस्ट आते हैं, सबसे राइट में आप उन हैलोजन्स को देखते हो पीरियडिक टेबल वापस कहीं पर, तो यहाँ हम देखो, देखो पीरियडिक टेबल में जो हैलाइड्स हैं या हैलोजन्स हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से इनका एटॉमिक साइज भी छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम इन एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मिनिमम होता है या सबसे कम होता है। ओके, और इसी तरह से अगर हम ग्रुप में बात करें कि ग्रुप में पीरियडिसिटी क्या होती है, तो जस्ट रिवर्स, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो साइज जो है वो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट से या इन्फ्लुएंस से दूर जाने की कोशिश करता है, और जब दूर जा रहा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कल की थी। आज जो हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस पर कि किस किस तरह से अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो हम किस तरह से उसको अप्लाई करके कुछ केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली जो चीज है वो है पार्शियल आयनिक करेक्टर, पार्शियल आयनिक करेक्टर। तो पार्शियल आयनिक करेक्टर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि कोई भी आपके पास में एक कंपाउंड है, लेट से ये कंपाउंड आपके पास में है, ये ए है और ये बी, दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, और हमें पता है कि इस ए की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिसको हमने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया, और इस बी की भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मानते हैं कि जो एक्स ए है वो एक्स बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो या कंपेरेबल हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट शेयरिंग हो रही होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की कैपेसिटी ए रखता है उतनी ही कैपेसिटी बी रखता है, तो यहां पर शेयरिंग हो जाती है। यहां पर कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रख सके। लेकिन इन केस अगर हमारे पास में जो कंडीशन है कि ए और बी जो हमारे पास में है, अगर ये कंडीशन हम ये कहते हैं कि एक्स ए और एक्स बी, मतलब दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर इक्वल नहीं हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड होते हैं आयनिक नेचर के, और इस आयनिक नेचर को कई बार हम क्या बोलते हैं, पोलर नेचर, कि इन ये पोलर कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड्स ये बनाता है या कंपाउंड्स बनाता है।
तो दो तरह की कंडीशन यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं? या तो एक्स ए जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स बी से ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हुई तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ए माइनस बी प्लस। क्यों? क्योंकि ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हमारे पास में जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एलिमेंट से कम होती है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें बी जो है उसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ए जो है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों ही जो कंपाउंड है ये किस नेचर के हैं? ये आयनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स यहां पर जो बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें किस तरह की आयनिक प्रॉपर्टीज होंगी, इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो डिसाइड करता है कि किस तरह का नेचर ये रखता है। तो पार्शियल आयनिक करेक्टर में यहाँ जो पाउलिंग ने एक परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर के लिए कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड हमें यहाँ पर मिलता है कि ए ने जो है बी के साथ में बॉन्ड बनाया, अगर ये दोनों सेम कम एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में अगर हम देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब तो इट्स ओके, ये प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जरा भी डिफरेंस हुआ, और जरा भी डिफरेंस का मतलब है कि हीट्रो एटमिक अगर मॉलिक्यूल अगर हम वहां पर लेते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर के अगर बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर उसके पास होंगे, या उस कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर जरूर होते हैं। तो यहां पाउलिंग ने सजेस्ट किया कि जो ए और बी दो एलिमेंट से मिलकर के जो बना कंपाउंड है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये अगर 1.7 अगर रहता है तो कंपाउंड जो है वो 50% आयनिक होता है, 50% आयनिक करेक्टर शो करता है। और अगर इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस ए और बी में अगर वो 1.7 से कम है, तो इनका जो आयनिक नेचर होगा वो कैसा होगा? वो 50% से ज्यादा हो। और अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर 1.7 से ज्यादा हुआ, तो जो आयनिक नेचर है वो क्या होगा? 50% से ज्यादा ये शो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1.7 डिफरेंस है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो एलिमेंट हमने यहां पर इस ए बी मॉलिक्यूल को बनाने में काम में लिए हैं, तो वो कंपाउंड 50% आयनिक होगा। और अगर इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम हुआ, तो वहां जो नेचर है वो 50% से कम आयनिक होगा, मतलब ज्यादा कोवेलेंट नेचर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा हुआ 1.7 से, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा होगा जिसमें 50% से ज्यादा आयनिक करेक्टर होंगे। ओके, तो ये पाउलिंग ने एक स्केल दिया था जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर का परसेंट निकाल सकते हैं कि उसमें कितना आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये एक स्केल जो है वो हमारे सामने है। लेकिन इस स्केल में कई सारी कुछ क्या कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्केल हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि 1.7 से कम या ज्यादा या इक्वल, ये उन मॉलिक्यूल्स पर तो अप्लाई होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा है ना, मतलब 1.7 तो हमने एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू ली है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, तब हम यहां पर ये नहीं बता सकते कि उस कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। इसी तरह से जो एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं, एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स, जैसे कि एल्कली मेटल्स होते हैं आपके सोडियम है या पोटेशियम है,
इनके हाइड्राइड्स देखो, जैसे सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड है, ठीक है ना, तो एल्के मेटल के हाइड्राइड्स या फिर कुछ और हाइड्राइड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम के या स्ट्रॉन्शियम के या बेरियम के। ये हमें क्या मिलते हैं कि ये आयनिक नेचर के हैं, ये भी आयनिक नेचर के हैं और ये जो हैं ये भी आयनिक नेचर के हैं। जबकि इनका अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, जैसे अगर हम इनके हाइड्राइड की बात करें तो ये इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, जैसे सोडियम और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस, या पोटेशियम और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या कैल्शियम हाइड्रोजन का, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोजन का, बेरियम हाइड्रोजन का, तो इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, जो एक्स ए माइनस एक्स बी है, ये जो वैल्यू है ये काफी कम है, 1.7 से काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरह के हैं, ये आयनिक नेचर के, जबकि इनको कैसा होना चाहिए था, इनको कोवेलेंट नेचर का होना चाहिए था। इसमें 50% से कम आयनिक करेक्टर होने चाहिए थे, और 50% से कम आयनिक करेक्टर हैं तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। बट फिर भी ये क्या है, आयनिक करेक्टर रखते हैं। तो यहां पर ये एक एक्सेप्शन है कि पाउलिंग ने जो सजेस्ट किया उसके हिसाब से। इसी तरह से अगर हम यहां पर बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, एचएफ की, तो एचएफ के अंदर 60% आयनिक करेक्टर है, ठीक है ना। लेकिन मतलब इस सजेशन के अकॉर्डिंग, जो पाउलिंग ने दिया, जो सजेशन दिया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 60% आयनिक करेक्टर होना चाहिए। लेकिन बाद में हमने देखा कि इस एचएफ में जो आयनिक करेक्टर होता है वो सिर्फ 45% होता है। क्यों? क्योंकि तब तक हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में नहीं पता था। एक और चीज यहां पर काम करती है, अगर हम दो ऐसे एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाएं जहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, और ये आपस में जब होते हैं तो यहां पर एक डाइपोल मोमेंट, अगर आपने डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा है तो हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट पर भी। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट के बारे में नहीं पता था, और सिर्फ हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर पाउलिंग ने सजेशन किया कि 60% आयनिक होना चाहिए। बट ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, जब हम बाद में इसकी पोलर नेचर को हमने स्टडी किया तो वो पोलर नेचर हमें क्या मिला, हमें सिर्फ 45% आयनिक नेचर इसका मिला। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, या ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का लिमिटेशन है जो पाउलिंग ने सजेस्ट किया उसके अगेंस्ट। और इसी तरह से मोर एग्जैक्टली अगर आप आयनिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक परसेंट उस कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो परसेंट आयनिक करेक्टर अगर हम निकालना चाहते हैं, परसेंट आयनिक करेक्टर, तो हमारे पास में एक फार्मूला है जो हैनी एंड स्मिथ ने दिया था। हैनी एंड स्मिथ ने एक हमको फार्मूला दिया, और उस फार्मूले के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है इसको हम कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं। और वो जो फार्मूला है वो ये, एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 3.5, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें हैनी एंड स्मिथ के, तो हम परसेंट आयनिक करेक्टर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में पता कर सकते हैं। और हैनी एंड स्मिथ ने यहां पर एक जो सजेशन दिया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों एलिमेंट्स में 2.1 का होता है तो कंपाउंड जो है वो 50% आयनिक बॉन्ड रखता है, या 50% आयनिक करेक्टर रखता है। और अगर ये जो डिफरेंस है ये अगर ये कहें 2.1 से कम है,
तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर जो नेचर होगा वो 50% से क्या होगा, कम होगा। और अगर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसकी वैल्यू अगर 2.1 से ज्यादा है तो जो कंपाउंड होगा वो 50% से ज्यादा आयनिक करेक्टर रखेगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे जहां पे 50% से कम आयनिक करेक्टर है वो कैसे हैं, उनको हम कोवेलेंट नेचर का एक्चुअली बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है जो काफी मतलब पाउलिंग ने भी इसमें अपना एक स्केल दिया या सजेशंस दिए, और हैनी एंड स्मिथ ने भी अपने कुछ सजेशंस दिए जिनके बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड में जो भी बॉन्ड वहां पर कोवेलेंट प्रेजेंट है उसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा। एक और एप्लीकेशन हम यहां पर कर सकते हैं वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस कि जो भी कंपाउंड वो है, मान लीजिए कि ये ए और ये बी ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है, अब ये बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ का है, मतलब ए ने बी के साथ में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर पता कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब ए और बी के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ले लिया HF, इसी तरह से हमने ले लिया एग्जांपल HCl, इसी तरह से HBr और HI। तो आप यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप यहां पर देखें तो ये सभी हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है और ये सारे के सारे हेलोजन हैं, और ये फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आप देख रहे हो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है 1.9 का, और HCl में देखेंगे तो वो 0.9 का, और HBr में देखेंगे तो 0.7 का, और HI में देखेंगे तो 0.4 का। तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हम यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो HF है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में बॉन्ड स्ट्रेंथ इस तरह से। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मोर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स देयर विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से एसिडिक और बेसिक करेक्टर्स अगर हम बात करें कि अगर कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स ले लें तो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो इनका एसिडिक और बेसिक करेक्टर आप यहां पर क्या कर सकते हो, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर हम यहां पर बता सकते हैं किसके बेस पर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, है ना। तो हम यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक ही जो पीरियड है उसके कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, उनके ऑक्साइड्स ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, इस तरह से मान लीजिए कि हमने सोडियम के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, और सिलिकॉन के बाद में देन फॉस्फोरस ऑक्साइड, हाइड्राइड लिख रहा हूं, फॉस्फोरस ऑक्साइड, तो P2O5, और इसी तरह से फॉस्फोरस, देन सल्फर ऑक्साइड एंड देन क्लोरीन का ऑक्साइड 7। तो हमने यहां पर एक ही पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऑक्साइड्स हमने यहां पर ले लिए, और अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें है ना, ये जो एक्स ए माइनस एक्स बी है इसकी वैल्यू अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 2.5 का है। देखो ऑक्सीजन सब में सेम है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन राइट साइड में आता है और
जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो इस मेटल और नॉन मेटल में सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो ये नॉन मेटल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देन इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि 2.3 होगा, या फिर यहाँ पर 2.4 होगा, सॉरी 1 होगा, या फिर 1.8 होगा, ये 1.5 होगा, ये 1.1 होगा, और यहाँ पर 0.7। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एसिडिक बिहेवियर ऑक्साइड्स का क्या होता है? इंक्रीज होता है। कब? जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज हो, है ना? मींस कि दिस सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर कम होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर आप देखेंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जाएंगे तो ये एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। एम्फोटेरिक जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है। फिर हम देखेंगे तो इसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है तो ये पहले क्या हो जाएगा? ये वीक एसिड हो जाएगा, है ना? फिर हम देखेंगे कि एसिडिक हो जाएगा, और यहां पर हम देखेंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो स्ट्रॉन्गली एसिड या हाईली एसिडिक हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं हाईली एसिडिक। ओके, तो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स का जो एसिडिक और बेसिक करेक्टर है वो भी हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और चीज हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर कितने हैं या कैसे हैं। वो मेटेलिक नेचर का है या फिर वो नॉन मेटेलिक करेक्टर है, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो इनकी नॉन मेटेलिक, और इसको आप किस तरह से बताएंगे कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा हुआ, और ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने नहीं देगा, और निकलने नहीं देगा तो उसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर ले। अगर यहां पर हमारे पास में ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये हमारे पास में शेल्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये अगर आसानी से बाहर निकल जाता है तो इट मीन्स ये एक मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा मेटलिक करेक्टर रखते हैं, या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज वाई हम ये बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है या बढ़ती है, तो कैसे कंपाउंड होंगे? वो नॉन मेटेलिक हो, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो वहां पर जो कंपाउंड होंगे वो मेटालिक नेचर के होंगे। इसीलिए जब आप पीरियडिक टेबल देखते हो तो पीरियडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाले जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ज्यादा मेटालिक करेक्टर शो करते हैं। और जब राइट साइड में आप मूव करते हो तो जो हमारे पास में सेवंथ ए है, जो हेलोजन्स हैं, ये क्या है? ये नॉन मेटेलिक करेक्टर के होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना? तो आप इनको आप बता सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, इसी तरह से एक और यहां पर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो भी आप शो कर सकते हो या बता सकते हो कि जो एसिडिक और बेसिक नेचर है हाइड्रोक्साइड्स का, जिस तरह से हमने यहाँ पर ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक करेक्टर देखा है, इसी तरह से हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स का एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर देख सकते हैं। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ
एलिमेंट्स है ना, इनका एसिडिक और बेसिक करेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो हमारे पास में मान लीजिए कि ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले देखेंगे कि जो आयनाइजेशन जो है वो अगर हम यहां पर करने की कोशिश करें, और ये जो M है ये एक मेटल है, ये हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां दो तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला बॉन्ड जो देखने को मिल रहा है वो बॉन्ड है जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में है, और जो दूसरा बॉन्ड है वो ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एक बॉन्ड तो ये है और दूसरा बॉन्ड इस तरह का। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किस किस की, कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन ने जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप यहां पे बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ये एक्स एम और एक्स ओ, ठीक है ना। एक्स हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ले रहे हैं और एम हमने मेटल के लिए और ओ हमने ऑक्सीजन के लिए। इसी तरह से यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ओ माइनस एक्स एच, है ना। अगर सोचो, अब ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो सकती है जो मेटल ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इनमें से इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये दो तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेंगी, है ना। अब आप देखो कि ये ज्यादा, हमने यहां पर कहा कि मेटल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये रखता है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या कह सकते हैं, ज्यादा पोलर बनाएगा, है ना। और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इससे रखता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से, मतलब क्या कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। और ये जो OH है उसको इजीली रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो बॉन्ड हैं वो क्या करेंगे, एम ओ एच में से ओ एच को रिमूव कर देंगे, और ओ एच को रिमूव करने वाले या देने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिस, ठीक है। क्योंकि एट सी कंडीशन में जो एम ओ एक्स टाइप का जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होने वाला है, इस तरह से। मैंने आपको क्या कहा कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो देखो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी तो यहां पे आप मेटल को, तो आप जानते हो मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, और ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा तो ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से M प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेसिस कहलाते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है वो बेसिक नेचर का हो। अब हम इस नीचे वाले पर आते हैं, इस पे, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि साहब हमारे पास में जो कंपाउंड है वो ये है, और हमने कहा कि OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये देखो OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है डिफरेंस। अब OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब देखो हाइड्रोजन का तो कम होगा और ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एम ओ माइनस प्लस एच प्लस, और अगर प्रोटॉन आयन कहीं ज्यादा निकलता है तो वो कैसे नेचर का होता है, वो एसिड नेचर का या एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो आप यहां पर बता सकते हो इजीली कि जो हमारे पास में एम ओ एच टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है, मेटल हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास में है,
तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मेटल ऑक्सीजन का ज्यादा है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ज्यादा है, उसके बेस पर आप उसका एसिडिक और बेसिक करेक्टर इजीली बता सकते हो। और इसी को बताने के लिए गैलियास ने, जो हमारे पास में MOH मॉलिक्यूल्स थे, इनके लिए एक एसिडिक नेचर के लिए इन्होंने एक स्केल दिया, एक सजेशन दिया कि अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका ये जो डिफरेंस है वो अगर 1.7 से ज्यादा है तो वो एसिडिक नेचर रखेगा, और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है तो वो बेसिक नेचर रखे, है ना। ये गैलियस ने यहां पर एक सजेशन दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पोर्शन है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है जिसमें पीरियडिसिटी कुछ बुक्स में लिखी होती है, कुछ बुक्स में नहीं लिखी होती है, बट मैं आपको वहां यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बारे में भी, वैलेंसी, है ना। ये वैलेंसी जो है ये क्या होती है? वैलेंसी आपको पता है कि कोई भी हमारे पास में एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड करते हैं कि वो कितनी वैलेंसी रखता है। और वैलेंसी का मतलब है कि वो किस कितने नंबर ऑफ अदर एटम्स के साथ में कंबाइन होकर के कोई बॉन्ड बनाता है। तो पीरियड में और ग्रुप में, अगर हम देखो पीरियड्स में मूव करते हैं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे पीरियड्स में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, शुरू में 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा, देन 3 होगा, और इस तरह से मूव करते करते और उसके आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए कि ऑक्टेट उसका पूरा हो जाता है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो वैलेंसी शुरू में क्या होती है, 1 से लेकर के और 4 तक इंक्रीज होती है, और उसके बाद एंड देन 4 जब पहुंच जाती है उसके बाद में 4 से लेकर के और 0 तक डिक्रीज होती है। इसीलिए आप देखते हो कि जब पीरियडिक टेबल आप यहां पर देखोगे, तो जब हम सेकेंड पीरियड की बात करें, जैसे कि हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इस तरह से हम मूव करते हैं एक पीरियड में, है ना। ये पीरियड है हमारा। अब आप देखो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है, ऐसे ही बेरिलियम को देखेंगे तो 1s2 2s2 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बोरॉन पे जाएंगे तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी यहां से यहां तक जाएंगे तब तो 4 रहेगी, और जब हम नाइट्रोजन से लेकर के इसमें जाएंगे तो ये तो 1 2 4, और यहां पर फिर क्या होगी, 4 2 0। उसके बाद जो वैलेंसी होती है उसमें से हम 8 में से और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे तो ये 3 वैलेंसी आ जाएगी, इसकी देखेंगे तो 2 आ जाएगी, इसकी देखेंगे तो 1 आ जाएगी, और जो आउटर ये जो नोबल गैस है उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उनकी वैलेंसी 0। ओके, तो वैलेंसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। और जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में मतलब जब हम एक पीरियड में सॉरी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पर आउटर मोस्ट शेल में सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है,
कांस्टेंट रहती है या सेम रहती है। तो ग्रुप्स में वैलेंसी सेम रहती है और पीरियड्स में वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद में वैलेंसी डिक्रीज होती है। तो ये थी हमारी पीरियडिक टेबल, और उस पीरियडिक टेबल में किस तरह से अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह की पीरियडिसिटी रखती है, वो घटती हैं बढ़ती हैं, ये सब हमने इसको देखा।